नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बाल्मीकि फ्रॉम कोलकाता, मॉडल का कलेक्टर एंड अ कार एंथुसियास्ट। और इस वीडियो में हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एक बहुत ही छोटू सा गाड़ी की। इस बार जो बॉक्स पैकेजिंग हमारे पास आया है, एक छोटू सा बॉक्स पैकेजिंग आया है क्योंकि गाड़ी ही छोटू सा है। तो चलिए देर की इस बार की वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। गाड़ी है ये हमको भेजा है कुणाल भाई ने। तो कुणाल भाई, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, थैंक यू फॉर सेंडिंग मी दिस कार। ओके, तो जल्दी से ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं कि अंदर गाड़ी कैसे है। ओके, तो बॉक्स से ये आ गया गाड़ी बाहर। चलिए बबल रैप को भी हटा लेते हैं। तो ये रहा आज का गाड़ी। तो बॉक्स से गाड़ी को निकाल लेते हैं और देखते हैं कि अंदर गाड़ी कैसे है। ओके दोस्तों, तो गाड़ी आ गया बाहर हमारे हाथ में और गाड़ी देखने में कुछ इस तरह लग रहा है। तो दोस्तों, ये जो गाड़ी है ये है टोमिका का डैटसन गो प्लस। डैटसन गो प्लस एक ऐसा गाड़ी थी जो कि अपने सेगमेंट में बहुत पॉपुलर थी, अपने स्पेस के वजह से और अपने कीमत के वजह से। ये जो गाड़ी थी ये लगभग एक 7 सीटर या अब 6 सीटर कह सकते हैं। ऑब्वियसली जो थर्ड रो था वो एडल्ट लोगों के लिए नहीं बना था, लेकिन ये जो गाड़ी थी ये अपने सेगमेंट में एक बहुत ही वैल्यू फॉर मनी गाड़ी थी और स्पेस के वजह से ये गाड़ी बहुत पॉपुलर हुआ करता था। तो ये जो गाड़ी है ये टोमिका का डैटसन गो प्लस है, आप लोग देख सकते हो। टोमिका का गाड़ी मिलना बहुत ही मुश्किल है इंडिया में और कुछ गिने चुने ही गाड़ी ही आपको मिलेगा। ये जो गाड़ी है ये मिलना बहुत ही मुश्किल है। थैंक्स टू कुणाल भाई अगेन फॉर सेंडिंग मी दिस कार एंड दिस इज जस्ट एन अमेजिंग कार, आप लोग देख सकते हो। ये है गो प्लस। गो का भी स्केल मॉडल आता है, अनफॉर्चुनेटली वो मेरे को नहीं मिला तो मैंने गो प्लस ही मंगा ली। मेरे को ये गाड़ी देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह गाड़ी है। गोल्डन ब्राउन कलर में है, कोई भी ओपनेबल पार्ट्स नहीं है। और बात करें स्केल की, ऑब्वियसली आप लोग समझ ही गए होंगे ये जो स्केल है 1/64 है। टोमिका का और जो गाड़ी मेरे पास है जो कि काफी दिनों से मेरे पास है लेकिन आप लोगों को दिखाने का मौका नहीं मिला, आज मिल रहा है तो चलो शेयर कर देते हैं। ये रहा टोमिका का और एक गाड़ी जिसका नाम है होंडा प्रियो। और ये जो गाड़ी है ये इंडिया में अवेलेबल थी। मेरे पास जिस भी टोमिका का गाड़ी है ये सब गाड़ी इंडिया में अवेलेबल थी एक ना एक टाइम में। तो ये जो गाड़ी है ये है होंडा प्रियो। जैसे कि आप लोग देख सकते हो इसका जो ग्लास है ये टिंटेड है और इसके अंदर आपको कोई भी इंटीरियर वगैरह नहीं मिलेगा। और इसका जो प्राइस था कुछ 200-250 के आसपास मेरे को ये गाड़ी पड़ा था। ये गाड़ी मेरे को भेजा था अस्तित भाई ने जो कि एक बहुत अच्छा मॉडिफायर है। और ये गाड़ी भी हमको अस्तित भाई ने ही भेजा था। ये जो गाड़ी है ये है होंडा जॉन्स। ये गाड़ी भी अपने सेगमेंट में बहुत पॉपुलर है, अभी भी रोड पर राज करती है ये गाड़ी। होंडा जॉन्स देखने में बहुत खूबसूरत लगता है लेकिन इसमें भी आपको टिंटेड ग्लास मिलेगा, यानी इसके अंदर कोई भी इंटीरियर नहीं मिलेगा। इसका भी प्राइस कुछ 250-200 के आसपास पड़ा था मेरे को। लेकिन ये जो गाड़ी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये जो गाड़ी है ये देखने में बहुत ही डिटेल लगता है क्योंकि इसके अंदर आपको एक ट्रांसपेरेंट ग्लास मिलता है प्रॉपर गाड़ी जैसा। और इसके अंदर जो इंटीरियर आपको मिलता है बहुत ही खूबसूरत लगता है। 1/64 में ये एक काफी अच्छा एडिशन है। अगर आप इंडियन गाड़ी लवर हो या आप 1/64 स्केल कलेक्ट करते हो या आप एक टोमिका लवर हो तो ये गाड़ी अपने कलेक्शन में ऐड करना तो बनता है। तो आज का वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये गाड़ी का वीडियो पसंद आया तो इस गाड़ी के लिए एक लाइक मार दीजिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हो मेरे को मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही गाड़ी रिलेटेड वीडियो आपके सामने लाने के लिए। और आप मेरे पीछे जो गाड़ियां देख रहे हैं, इस गाड़ियां का अनबॉक्सिंग बहुत जल्द आप लोगों के सामने मैं लाने वाला हूँ। मेरा सेमेस्टर चल रहा है इसीलिए थोड़ा सा डिले हो रहा है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा डेफिनेटली रेगुलर वीडियो देने के लिए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मैं आपको मिलूंगा अगले हफ्ते और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी कलेक्टिंग।